हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है, 3D डिज़ाइन है ये, और बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सुंदर लगता है बनाया हुआ। आप इसको पतली ऊन पे भी बना सकते हैं और मोटी ऊन पे भी बना सकते हैं और किसी भी कलर में बना सकते हैं। और इसमें फंदों का भी कोई ऐसे कोई मल्टीपल करने का वो नहीं है। आप इसमें कितने भी फंदे रख सकते हैं, जितने भी फंदे आपके प्रोजेक्ट में हो उसी हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। और इसका बच्चों के प्रोजेक्ट में, बड़ों के प्रोजेक्ट में, किसी में भी आप इसको बना सकते हैं। इसको बच्चों की फ़्रॉक पे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी, न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट सा स्वेटर बनेगा इससे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे शुरू करना है। और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बड़ा बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, ये वाला जो डिज़ाइन है ये उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा, यानी उल्टी साइड से ये डिज़ाइन डलना स्टार्ट होगा। तो आप इसको सीधी साइड से अगर एक सिलाई डालना चाहते हैं तो उस तरह से कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे पता ही नहीं चलता क्योंकि जब ये बॉर्डर बनता है ना, तो जब ये नीचे आता है पहली सिलाई का, तो ये एक जैसा ही हो जाता है। तो ये उल्टी साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको जब आपने शुरू करना है ना, तो इस तरीके से करना है, दो सिलाइयों पर आपने फंदे डालने हैं स्टार्टिंग से ही इसको जब स्टार्ट करना है तो, नहीं तो नीचे से ऐसे टाइट आएगा ये अगर आप एक सिलाई पर डालेंगे तो। इसको आपने दो सिलाइयों पे ऐसे स्टार्ट करना है, जिस तरीके से मैंने, देखिए दो सिलाइयों पे फंदे डाले हैं ना, इस तरीके से करना है। और बाद में आपने इनको एक सिलाई को ऐसे निकाल देना है इसमें से, ये देखिए ऐसे निकाल दिया हमने। अब इसको मैं आगे आपको कैसे बनाना है बताती हूँ। और इसके लिए मैंने ये इस कलर से ऊन ली है, ये वाली कलर की। तो ये देखिए, ये पहले फंदे को हमने ऐसे बुन लिया क्योंकि पहली सिलाई है ये, तो मैं पहले फंदे को यहाँ पर सीधा बुन रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये जो फंदा, अब ये देखिए जैसे अगला फंदा है, यहाँ से हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो सिलाई है यहाँ पे डालनी है, सिलाई इस जगह पे, फंदे के बीच में नहीं डालनी, फंदे के साथ ऐसे नहीं डालनी, फंदे के बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पे एक सिलाई ऐसे डालनी है और सीधे फंदे बुनने हैं, धागा पीछे रखना है। तो यहाँ से हम एक फंदा निकालेंगे, ये देखिए थोड़ा लूज़ हम इस फंदे को उठाएंगे ऐसे, यहाँ से एक फंदा उठाया, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को किया, यहाँ पे एक जाली जैसा बनाएंगे हम, ठीक है। ये फंदे को अपनी तरफ को किया, धागे को सॉरी, उसके बाद अब इस फंदे में से हम ऐसे सीधा इसको बुनेंगे बैक साइड से, ये देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ है और एक जाली डालते हुए एक फंदा हम यहाँ से बना लेंगे। तो हमारे ये एक फंदे में से तीन फंदे हमारे बन गए, ये देखिए एक में से तीन फंदे हमारे यहाँ पर बन गए। अब फिर से आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट पे, अब ये जो स्पेस बीच में आपको दिख रही है, इसमें से हम यहाँ पे ऐसे सिलाई को डालेंगे और एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे, थोड़ा लूज़ लूज़ बुने, ये देखिए यहाँ पर फंदा निकाल लिया हमने इसमें से, उसके बाद अब धागा अपनी तरफ किया और ये फंदे को ऐसे बैक साइड से, फंदे की बैक साइड से ऐसे लिया और इस फंदे को हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब एक फंदे के, अब इसको छोड़ देंगे यहाँ पे, एक फंदे में से ये बन गए हमारे तीन फंदे, ये देखिए एक में से तीन बन गए, ठीक है। अब अगला फंदा जो है इसको भी हमने ऐसे ही बनाना है, यहाँ से देखिए बीच में से आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ से हम सुई को डालेंगे, सिलाई को डालेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से सिलाई को डाला और यहाँ से एक फंदे को ऐसे बनाया, एक फंदा निकाला, उसके बाद धागे को अपनी तरफ किया और इस फंदे को यहाँ से ऐसे बुना, जाली डालते हुए इसको सीधा बुनना है और यहाँ पे एक फंदे के तीन बना लेने हैं, ये देखिए एक के तीन बन गए। उसके बाद अगले फंदे को भी देखिए, यहाँ से हमने ऐसे किया और सीधा बुनते हुए एक ऐसे निकाला, धागे को अपनी तरफ किया, अब यहाँ से इसको ऐसे फंदे के बैक साइड, बैक लूप से बुनते हुए तीन फंदे एक के बनाने हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ से फिर सिलाई को डाला, एक बार ऐसे बुना, एक बार अपनी तरफ को धागा किया और इस फंदे को बैक लूप से लेते हुए जाली डालते हुए एक फंदा और बुन लेना है, तीन फंदे हमारे बुन गए। ऐसे ही हम ये सारी सिलाई जो है बुन लेंगे, पहली सिलाई ये देखिए एक फंदा, उसके बाद जाली ये अपनी तरफ,
आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही सही आएगा। उसके बाद ये अपने आप ही यहाँ पे फंदा बन जाएगा जब आप इसको ऐसे बुनेंगे। तो ये देखिए जैसे हम जाली बनाते हैं ना वैसे बिल्कुल, ये देखिए तीन फंदे बन गए। उसके बाद फिर हम इसको ऐसे बुनेंगे फंदे के पीछे से ऐसे, उसके बाद धागा अपनी तरफ किया, इसी फंदे को बैक लूप से ऐसे बनाएंगे और एक फंदे के तीन, फिर इस फंदे के ऐसे पीछे से सिलाई को डाल के एक फंदा निकाला, धागा अपनी तरफ को घुमाया, ये जो फंदा है इसके बैक लूप से बुनते हुए सीधा ये तीन बना दिए एक के। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा निकाला, उसका धागा अपनी तरफ, इस फंदे को बुनते हुए यहाँ पे तीन फंदे बना लिए हमने एक के। ये देखिए यहाँ पे सिलाई डालते हुए धागे को अपनी तरफ, इसी फंदे को फिर से सिलाई से बुनते हुए बैक लूप से एक के तीन बना दिया, फिर सिलाई इस फंदे के पीछे से एक फंदा निकाला, अब इसी फंदे को बैक लूप से बुनते हुए, सॉरी यहाँ पे जाली, ये धागे को अपनी तरफ किया और यहाँ पे बैक लूप से बुनते हुए एक के तीन बना दिए। और फिर देखिए इसी फंदे को यहाँ से निकाला, ये देखिए धागे को अपनी तरफ किया, इसी फंदे को बुनते हुए यहाँ पर एक के तीन बना दिए। इसमें फ्रेंड्स फंदे थोड़े कम लगते हैं, अगर आप किसी की भी स्वेटर बना रहे हैं ना, थोड़े 10 फंदे आप कम डालें, ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा खुला खुला स्वेटर बनता है और पूरे पूरे फंदे डालेंगे तो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, इसलिए 10 10 से 12 फंदे कम डालें। देखिए 3 हो गए, अभी लास्ट में फिर से ऐसे और ये एक के एक फंदे के तीन बना दिए और लास्ट में ये फंदा हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए तो ये हमारी ऐसे पहली सिलाई ख़त्म हो गई। अब ये देखिए तीन तीन का आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए तीन तीन का, ये देखो। अब इसकी उल्टी साइड पे, तो बैक साइड पे देखिएगा, ये पहला फंदा है इसको हमने ऐसे उतार लिया। उसके बाद ये जो हमारे तीन फंदे हैं फ्रेंड्स, इन तीन फंदों को हमने यहाँ पर धागा हमने पीछे करना है और इन तीनों फंदों को हमने यहाँ पे तीन का एक करना है, सीधी साइड से सीधा बुनना है इनको। ये देखिए तीन का हमने एक बना दिया, उसके बाद फिर से आगे भी तीन का एक बुनेंगे, धागा पीछे रखेंगे और तीन का एक बनाते चले जाएंगे। ये देखिए तीन का एक बनाते चले जाएंगे। फंदे आप थोड़े थोड़े लूज ही रखें, जब आप ये पहली सिलाई बना रहे हैं ना तो फंदे थोड़े लूज लूज रखें। तो ये सारी सिलाई हमने इसी तरीके से बनानी है, तीन का एक और सीधा बुनना है इसको, ये भी ध्यान दें, इस सिलाई को उल्टा नहीं बुनना हमने, सीधा बुनना है फ्रेंड्स। ये देखिए तीन का एक ऐसे बनाते चले जाएं, तीन का एक, ये देखिए तीन का एक, यहाँ पे फिर तीन का एक और ऐसे ही लास्ट में भी ये तीन का एक। अब ये देखिए यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारा कितना बढ़िया यहाँ पे आ गया और यहाँ पर एक फंदा सीधा। तो ये हम हो गई हमारी दूसरी सिलाई। अब हम आते हैं तीसरी सिलाई पे, तो यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा है इसको हमने उतार लिया, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा फंदा है एक एक को हम बुनेंगे। देखिए कैसे ये सीधा बुनना है, ये देखिए ऐसे,
अब इस फंदे को फिर से हम एक बार और बुनेंगे, एक फंदे को हम यहाँ पर दो बार बुनेंगे। ये देखिए एक फंदे को दो बार बुनना है, ये देखिए सीधा ऐसे सीधा बुनना है, एक बार छोड़ दिया, फिर इसको सिलाई पे ऐसे ले लिया, देखिए इसको सिलाई पे ऐसे ले लिया हमने और इस फंदे को ये इस तरीके से बुन लिया। उसके बाद फिर से इसको सीधा बुन लिया, इसको सिलाई पे ऐसे ले लिया और इसको भी हमने ऐसे सीधा बुन दिया एक बार और। तो एक एक फंदे को आपने दो दो बार बुनना है यहाँ पर। ये देखिए ऐसे सिलाई पे लेके और इसको फिर से ऐसे बुन दिया, एक बार बुना सीधा, उसके बाद फिर इसको अपनी ऐसे सिलाई लेफ्ट साइड वाली सिलाई पे लिया और फिर इसको एक बार और बुन दिया। तो ऐसे आपने इसको दो बार बुनना है। ये देखिए, ये देखिए एक बार बुना सीधा, फिर लेफ्ट सिलाई पे उठा लिया, फिर इसको हमने एक बार और बुन दिया, फिर इस फंदे को एक बार बुना सीधा, अब इसको लेफ्ट सिलाई पे ऐसे ले लिया और फिर से हमने इसको सीधा बुन दिया, दो बार हो गया, एक बार बुना, ये दो बार बुन दिया। अब ये एक बार बुना, अब ये सिलाई पे ऐसे उठा के फिर दो बार बुन दिया, एक बार बुना सिलाई पे ऐसे उठाया दो बार बुन दिया, ये एक बार बुना सिलाई पे ऐसे उठाया दो बार बुन दिया, एक बार बुना सिलाई पे ऐसे उठाया और दो बार बुन दिया, एक बार बुना सिलाई पे ऐसे उठाया और दो बार बुन दिया, एक बार बुना सिलाई पे ऐसे उठाया और दो बार बुन दिया, और लास्ट में ये एक फंदा सिंगल बुनना है, इसको दो बार नहीं बुनना। तो ये देखिए यहाँ पे तीसरी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। अब हम इसकी चौथी सिलाई पे हैं। अब ये सिलाई हमने सारी सीधी सीधी बुननी है, इस फंदे को ऐसे किया और इसको सारा सीधा बुन दिया। ये डिज़ाइन फ्रेंड्स हमारा उल्टी साइड से स्टार्ट होता है, ये सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है और ये साइड जो है इसकी सीधी है, ये सारी सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे। ये देखिए ये देखिए ये सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी हो गई। ये देखिए अब हम इसकी, ये हमारी सीधी साइड है, अब हम आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो अब हम फिर से वही पहली सिलाई स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स एक बार मैं बता देती हूँ, ये फंदे को हमने उतार लिया, धागे को पीछे किया और अब ये देखिएगा वही फर्स्ट रो जैसे हमने बनाई थी वैसे ही इस फंदे के ऐसे बीच में से, इन दोनों फंदों के ऐसे बीच में से निकाल लेंगे सिलाई को, ठीक है। और इस फंदे के हम एक के तीन बनाएंगे, तो एक हो गया, धागे को अपनी तरफ किया, फिर इस जो फंदा है पहला फंदा आगे इसके बैक लूप से इसको बुनते हुए हमने यहाँ पर दो फंदे और बना लेने हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ पर तीन फंदे। देखिए सेम आगे भी वैसे ही करना है, ये इसके बीच में से निकाला, धागा अपनी तरफ किया, अब इसको बैक लूप से बुनते हुए इस तरह से तीन फंदे, फिर से यहाँ पे एक फंदे को निकाला, धागा अपनी तरफ किया, बैक लूप से बुनते हुए फिर इस फंदे को निकाला, धागा अपनी तरफ किया, इसको बैक लूप से बुनते हुए, ये देखिए इसी तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये देखिए इधर से ये इसकी सीधी साइड है, ये देखिए ऐसा आएगा और ये उल्टी साइड से ऐसा दिखता है। आप इसको किसी भी साइड से वैसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही साइड से ये बहुत ही अच्छा दिखता है। देखिए तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।